पुंछ में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम की गई है। हरिबुद्धा इलाके में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। हरिबुद्धा इलाके से बरामद हथियारों का जखीरा इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस बारे में अंकित और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अंकित, ये तो मतलब 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए गड़बड़ी फैलाने की पूरी कोशिश हो रही है उधर से। देखिए, पुंछ का ये इलाका है, सूरनकोट का इलाका है, जहां पे सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम और सुरक्षा बलों ने पूरे एरिया को सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन में लिया, जिसके बाद भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए थे। ठीक कल की अगर मैं बात करूं दिनेश, तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जहां पर सुरक्षा बलों पर, खासतौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी विंग पर ग्रेनेड हमला हुआ था, हालांकि गनीमत ये रही कोई इंजर्ड नहीं हुआ। लेकिन आज जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक कामयाबी, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ हो या फिर हिंटरलैंड में सुरक्षा बल, पुंछ के अंदर जिस तरीके से रिकवरी हो रही है, ये साफ जताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकी बोखला गए हैं। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि आतंकियों के जरिए एक बड़ा हमला जो है जम्मू कश्मीर में करवाया जा सके, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आतंकी तो क्या हमारी सरहदों में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दिनेश, हमारी सरहदों में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हमारी एजेंसियां खासी सतर्क। आप देख रहे हैं कहीं पर टनल डिटेक्ट की जा रही है। 10 दिनों के भीतर एक दूसरी सुरंग पकड़ी गई है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।